महानगर अंतर्गत पैडलेगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष सोमवार को दीप प्रज्वलित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु राज बिहारी बोस को हिंदू चेतना मंच व विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर डॉ सत्या पांडे ने कहा कि राम बिहारी बोस आज़ादी के पहले सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर मानसिक रूप से इतने सशक्त थे कि महात्मा गांधी भी उनका सम्मान करते थे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, जनवरी को 122 साल की जन्मदिन उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। उस दिन गोरखपुर के इस धरती पर विश्व रिकॉर्ड कायम करता हुआ तिरंगा 13 किलोमीटर का यहाँ पे आम जनमानस द्वारा फहराया जाएगा। हिंदू चेतना मंच ये माध्यम बन रहा है गोरखपुर को गौरव दिलाने के लिए। आज उसी के उपलक्ष में 122 दीपों को जला के प्रकाश फैलाने के एक अभियान चल रहा है कि देखो प्रकाश फैलाया जाता है उस बुझते हुए बेजान दिए पर। अगर हम रोशनी चलाते हैं तो हम इंसान हैं, हमारे अंदर जान है, तो हम क्यों इस देश की आज़ादी के लिए इन शहीदों को याद करने के लिए, और तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का केवल जन्मदिन पता है, उनका मृत्यु हुआ कि नहीं आज तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। इसी को उपलक्ष्य में हम लोगों ने कल 122 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल का, किस ऐतिहासिक कार्य को आप आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। आपके माध्यम से एक आग्रह निवेदन सभी से कि परसों 23 तारीख को 10 बजे चेतना यहाँ पे पैडलेगंज पे हिंदू चेतना मंच का आवाहन जो है उसको स्वीकार करते हुए तिरंगे को फहराने में अपने वो कदम बढ़ाएं जो वास्तव में देश के नाम को रोशन करने के लिए अपने वो कदम बढ़ाएं कि इस तिरंगे का जो स्वाभिमान है उसे कायम रखें और अपने कदम बढ़ाएं कि पूरी दुनिया देखे कि आज भारत जो महान है क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ का हर जनमानस तिरंगे के प्रति समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद।